वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स. तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड का अगला वर्जन जो कि है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट. नाम से जाहिर है कोऑर्डिनेशन फिर कोवेलेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कोवेलेंट. यानी कि पहले कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो जो हमने पढ़ा है उसमें दोनों पार्टीज एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रही थी और वो मल्टी डायरेक्शनल बॉन्ड था. यहां पर क्या होगा, एक पार्टी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, बेचारी लुटी पुटी हुई बगैर किसी इलेक्ट्रॉन के. दूसरी पार्टी होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस मौजूद है, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन वाली स्पेशी इस लुटी पुटी हुई पार्टी को इलेक्ट्रॉन देकर के इसको अपने साथ अटैच कर लेगी, यानी कि उसकी मजबूरी से फायदा उठाएगी और उसके साथ एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा. लेकिन बाद में वो उसके साथ क्या करेगी, आइए जरा आपको बताते हैं. बड़ा मजे का ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं. बच्चे अक्सर कहते हैं सर व्हाई डेटिव बॉन्ड, तो तसल्ली रखिएगा आज आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तो समझ आने वाला सीन है ही है. लेकिन आपको पता है साथ में और क्या है, साथ में आपका डेट का कॉन्सेप्ट भी ठीक हो जाएगा. क्या डेट? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डेट कॉन्सेप्ट. तो आपका साथ में जो है वो डेट का कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर कर देना है. कैसे क्लियर करना है, आइए जरा आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप हो जाए. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, ठीक है. स्टार्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने. द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि पेयर का ट्रांसफर होना है फ्रॉम वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. यानी कि एक एटम भी इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकते हैं टू अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. फ्रॉम वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स टू अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए जो आप लोगों ने याद रख लेने, ये तीन चार पॉइंट्स होंगे. फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. यानी कि मैं कहना चाहता हूं डोनर से एक्सेप्टर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है. इसका मतलब यह हुआ कि यह बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की तरफ. यानी कि डोनर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी कहलाएगी, ये पेयर डोनेट करेगी और इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशी जो है उसको एक्सेप्ट करेगी. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लेवस बेस एंड लेवस एसिड. लेवस बेस और लेवस एसिड के दरमियान भी यह बॉन्ड बनता है. तो लेवस बेस और एसिड के दरमियान ये जो बॉन्ड बनना है, ये भी सुन लो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है ना, याद रख लीजिएगा उसको लेवस बेस कहते हैं. तो लेवस बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये भी एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है. और लेवस एसिड जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को बोला जाता है. लोगे बच्चा भाई, एक तो आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने वाली थी जो मैंने कर दी. अब इसके ऊपर आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं. आप लोगों को बात याद होनी चाहिए कि इन दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज ऑफर्ड बाय वन एटम एंड द अदर पेयर बिकम्स एंड देन द इलेक्ट्रॉन पेयर सॉरी देन द इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम्स इक्वली शेयर्ड बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफर करेगा, बाद में वो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के दरमियान जो है वो शेयर हो जाएगा यूनिडायरेक्शनल. ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयनिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज यूनिडायरेक्शनल. इसकी डायरेक्शन अब किधर से किधर को होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरफ होती है और ये आपको एरो नजर आ रहा है. तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको, याद रख लीजिएगा इस एरो की टेल हमेशा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होनी है, जो एक बहुत बड़ी बच्चे गलती करते हैं, मैं क्लियर कर रहा हूं. टेल होगी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ और हेड होगा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ. यानी कि डोनर से एक्सेप्टर की तरफ. तो अब आपको एमसीक्यू में एक और बड़ा पॉइंट पता चला कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जो होता है वो एक्चुअली एक्सेप्टर का काम करता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जो है वो डोनर का काम करता है.
डोनर की तरफ से एक्सेप्टर को जो इलेक्ट्रॉन पेयर जाना है तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होते हैं। और ये जो ऊपर मैंने लाइन बोली कि पहले वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है, बाद में वो इक्वली शेयर हो जाता है। तो ये देखो, वंस अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात पहले कहीं पढ़ी है, बिल्कुल ये टेक्स्ट बुक के अंदर बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि एक दफा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए तो उसके बाद कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं रहता। इस बात को मैं कैसे समझाऊं, कैसे एक्सप्लेन करूं, तुम लोगों को कैसे बताऊं, इसके लिए मेरे पास ढेर सारी एग्जांपल्स हैं। तो आइए जरा उन एग्जांपल्स को भी समझो जरा आप। तो बेटा, आप लोगों ने जो बात समझनी है, जो अंडरस्टैंड करनी है, वो क्या है, लेट्स वॉच इट। एक्चुअली इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव और डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी कहते हैं इसको। भी आपसे कहे व्हाट इज डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। और अब आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल फ्रॉम डोनर एटम एंड वेकेंट ऑर्बिटल फ्रॉम एक्सेप्टर एटम। ये वीबीटी का एक पॉइंट है जो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। ये भी हो सकता है पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर जो डोनर एटम होता है उसका फिल्ड ऑर्बिटल होता है। क्या मतलब बेटा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो, तो पेयर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, और जो वेकेंट होगा उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो एक फिल्ड ऑर्बिटल से एक वेकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाते हैं और बाद में ये दोनों इक्वली उनको जो है वो शेयर कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन उनके पास रिजाइड रह जाता है। चार्ज आता है या नहीं, कब आना है, कब नहीं आना, कितना लिखना है, कैसे नहीं लिखना, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हवाले से डिस्कस करता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अमोनियम आयन की फॉर्मेशन में लोन पेयर डोनेट होता है, और हमारे पास अब ये छोटी सी एक यहाँ पे मुझे मिस्टेक दिखी है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। बेटा यहाँ पे अगर आप अमोनिया और BF3 के दरमियान बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया करें, ना कि अमोनियम। मिस्टेक है, इसको बेटा मैं करेक्ट कर रहा हूँ, टाइपिंग एरर है। ओके, तो नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया हैव लोन पेयर एंड इट डोनेट्स इट टू BF3 विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या मतलब, अमोनिया का देखें तो आप लोगों को दिखेगा पूरा ऑक्टेट। ये देखो अमोनिया की स्ट्रक्चर आपके सामने है, ऑक्टेट पूरा है। BF3 का देखते हैं, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है अकॉर्डिंग टू द लेवल स्ट्रक्चर्स। अब ये बन जाएगा एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, और ये बन जाएगा डोनर यानी कि लेवस बेस या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। एक इलेक्ट्रॉन पुअर, एक इलेक्ट्रॉन रिच। इसने डोनेट किया पूरे का पूरा पेयर, यानी कि देखिए पूरा पेयर कोऑर्डिनेट हो रहा है बोरॉन को। बाद में जाके देखते हैं वो पेयर कहाँ है, बाद में बेटे वो पेयर इन दोनों के दरमियान बिल्कुल इक्वली शेयर हो रहा होगा, और हम उसको एक एरो के साथ भी शो कर सकते हैं और सिंगल लाइन भी बना सकते हैं, क्योंकि बाद में वो एक सिंगल लाइन या कोवेलेंट बॉन्ड ही कंसिडर किया जाएगा। और फिर वही बात, जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगी तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन थे, एक शेयरिंग के पास अभी भी इसके पास होगा, और एक ऑफ कोर्स बोरॉन की तरफ इसने भेजा हुआ होगा। बोरॉन की तरफ वो इलेक्ट्रॉन जाने से बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन थोड़ी डेफिशिएंट अब हो जाएगी और बोरॉन जो है थोड़ी सी रिच हो जाएगी। लेकिन क्योंकि दोनों के चार्ज की मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है, इसलिए ओवरऑल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। चार्ज तब आता है जब ओवरऑल चार्ज कोई ना कोई नेट चार्ज एग्जिस्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि नेट चार्ज जीरो है, तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा। इन दिस केस डोनर डिवेल्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेप्टर गेट्स अ नेगेटिव चार्ज। तो ये दो हमारे पास डिफरेंट चार्जेस के हवाले से जो है वो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दी। इसकी और एग्जाम्पल्स बता के आपको मजीद इलेबोरेट करता हूँ, जरा अटैच रहिएगा, जरा कंसंट्रेशन के साथ। आप लोगों ने कोई जरा बराबर भी एक ऐसी भी चीज नहीं छोड़नी जो पेपर में आए और आपको ना आती हो, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, ये हो नहीं सकता कि तुझको समझ ना आए, तुझको जरूर समझ आएगी मेरे प्यारे बच्चे और मेरे डियर स्टूडेंट्स।
कमिंग बैक टू द टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए यहां पर लिखा है, मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड्स. ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, पता चल गया कोऑर्डिनेट और फिर कोवेलेंट क्यों कहते हैं. पहले कोऑर्डिनेशन होता है, पहले बेचारे यतीम मस्कीन को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, बाद में वही उसके साथ शेयरिंग कर रहा होता है कि भाई अब तूने मुझे दे दिए तो अब मेरे पास भी तो रहने दो. अब मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड का क्या चक्कर है, ये देखो, ये जो एक कंपाउंड बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसमें दो मॉलिक्यूल ऐड हुए. कौन कौन से? इसमें अमोनिया ऐड हुआ है, BF3 ऐड हुआ है. तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको मैं मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड का नाम दूंगा, क्योंकि ऐसा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें मॉलिक्यूल्स ऐड हुए. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड्स. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इंट्रोड्यूस के हवाले से आपको पता चला, क्या याद करोगे. अब आया है वाई डेटिव बॉन्ड. तो आप लोगों का ये जो डेट का कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा ठीक होना चाहिए. क्या कॉन्सेप्ट है आप लोगों का डेट का, पहले तो वो शेयर हो जाए. आप लोगों का डेट का जो कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा है कि एक दरख्त हो, उसमें एक अंकल और आंटी दूर बैठे हुए हो, और एक अंकल और आंटी यहाँ पर बैठे हुए हो. ये यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बैठ के ऑफ कोर्स आप लोगों के अपने अपने जहन के मुताबिक होगा कि क्या कर रहे हैं. मैं एक्चुअल बताता हूँ आपको कि यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं. यहाँ पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं केमिस्ट्री के, ठीक है. और बेटे बहुत अच्छे अंदाज में स्टडी हो रही है. ये देखो, ये वो एंट्रेंस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने मार्क्स अच्छे लेकर के अपनी सीट सिक्योर करनी है. बेटा इनके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती दिमाग के अंदर, ये बड़े पॉजिटिव होकर स्टडी कर रहे होते हैं. तो बेटे आप लोगों को अब डेट का मतलब सिर्फ ये नहीं समझना, डेट का मतलब ये डेटिव डिराइव किया गया डेट्स, जिसका मतलब है, डेट का मतलब है मूवमेंट ऑफ ए पेयर टुगेदर. बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, मूवमेंट ऑफ ए पेयर टुगेदर. मूवमेंट ऑफ ए पेयर टुगेदर, तो एक पेयर की इकट्ठी मूवमेंट को डेट कहा जाता है. तो बेटा अब ये पेयर की इकट्ठी मूवमेंट का क्या मतलब है? आपके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी अगर इकट्ठे जा रहे हैं तो वो भी डेट है. डेट का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो आपके जहन में है. आपके पापा और मामा अगर इकट्ठे कहीं आ जा रहे हैं तो वो भी डेट है. दो भाई अगर इकट्ठे कहीं आ जा रहे हैं वो भी डेट है. दो बहनें अगर इकट्ठी आ जा रही हैं तो वो भी डेट है. तो बेटे आप लोगों का डेट का कॉन्सेप्ट आज के बाद क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी पेयर की मूवमेंट को डेट कहा जाता है. तो कितने क्यूटी क्यूटी से, मासूम मासूम से ये दादा दादी जान हैं, इकट्ठे मूव कर रहे हैं. तो बेटा एक्चुअली दे आर डेटिंग. सो डोंट कीप योर माइंड स्टफ्ड विद नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमेजेस. पॉजिटिव सोचो, डेट मारो, अम्मी का हाथ पकड़ो, अम्मी आए आज मैं आपके साथ डेट मारती हूँ. अम्मी ने यूं पलट कर देखना है और उसके बाद आवाज आनी है शपक शपक शपक, तो क्या होगा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, माँ के साथ डेट मारती हूँ. मेरी बात तो सुन ले सर, शुएब ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया. अब क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया उन्होंने? उन्होंने कहा है डेट का मतलब है किसी भी पेयर की मूवमेंट, इकट्ठी होना. तो आप और मैं भी अगर इकट्ठे कहीं आ जा रहे हैं तो ये भी डेट है. यानी कि आप लोग मेरे साथ भी डेट कर सकते हैं. इस वक्त आप मुझे सुन रहे हो और ऑफ कोर्स अब हम अगर इकट्ठे बैठे हुए हैं तो दो लोगों की इकट्ठे बैठना और मूव अराउंड करना ऑफ कोर्स क्या कहलाता है? डेट. जिस तरह दो इलेक्ट्रॉन्स की इकट्ठी मूवमेंट डोनर से एक्सेप्टर की तरफ क्या कहलाता है? डेट. लेकिन मुझे पता है मैं जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लूँ आपके दिमाग के अंदर से नेगेटिविटी नहीं निकल सकती, क्योंकि दिमाग ही आप लोग हो ही इतने बुरे. नहीं यार, आज के बाद आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों का डेट का कॉन्सेप्ट अब बुरा रह जाएगा. तो आइए जरा इसको रैप अप करते हैं. एंड पे कुछ चंद की इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ. आप लोग देखो कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर पड़े हुए हैं. वाटर के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, हाइड्रोनियम आयन का बनना सिखाने लगा. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन आयन को, जो इस वक्त इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशी है और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है. अब आप देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. हमेशा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से
लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का पेयर मूव करता है। तो ये आ गया आप लोगों के सामने हाइड्रोनियम आयन के अंदर। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि बजाहिर तो आप लोगों को ये दिख रहा है कि इस वक्त ये वो लोन पेयर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के पास आ चुका है। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, सबसे पहले तो ये समझो, अब जो आने वाली स्पीशी थी उस पर पॉजिटिव चार्ज था, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको मिल जाएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो फिनिश्ड हो जाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज बटे अपीयर किस पर हो जाएगा, ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुकी होगी। अब आपने याद रख लेना है, अगर तो इलेक्ट्रॉन पुअर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पॉजिटिव होगा तो जो रिजल्टिंग स्पीशी होगी उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। मुझे भूलना नहीं आप लोग, यानी कि कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आना है या नहीं आना ये डिपेंड करता है एक्सेप्टर के ऊपर क्या है। अगर एक्सेप्टर पॉजिटिव चार्ज का तो ये आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, क्योंकि अब एक्सेप्टर डेफिशिएंट नहीं रहेगा, अब डोनर डेफिशिएंट हो जाएगा। पिछले केस में क्या था, अमोनिया के ऊपर चार्ज नहीं था, इसी तरह BF3 जो था उसके ऊपर भी चार्ज नहीं था। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुआ था तो उसके बाद जब ये इकट्ठे हुए थे तो इन पर कोई चार्ज कॉम्प्लेक्स पर आपको नहीं दिखाया था मैंने, ठीक है, क्योंकि BF3 न्यूट्रल था। तो तय कर लो कि अगर इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशी या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पॉजिटिव चार्ज किया तो फिर स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर पुअर रिच हो जाएगा और रिच पुअर हो जाएगा। बिल्कुल वही बात है कि आप लोग मुझे जरा बताएंगे कि अगर मैं यहां पर हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बना दूं तो ये जो ये तीन मस्कीन लुटी पुटी हुई हाइड्रोजन थी, ये इन तीनों हाइड्रोजन में से कौन सी अगर मैं इधर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दूं और एक लोन पेयर बकाया वाला भी यहां पे बना दूं, आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है कि ये हाइड्रोजन इनमें से कौन सी हाइड्रोजन है? कोई कहेंगे सर ये नीचे वाली, कोई कहेंगे सर ये ऊपर वाली। बेटा देखो मैंने सबका एक ही लाइन के साथ डिस्प्ले दिया है, आप यहाँ पे हरगिज डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पहले हम लोग एक बात पढ़ के आए थे कि हमारे पास जो शेयर्ड पेयर डोनेट होता है बाद में हमारे पास यानी कि कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड जो है वो एक शेयर्ड का जो है वो काम करता है। देखें वंस अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। पहले कोऑर्डिनेटेड पेयर होता है बाद में वो शेयर्ड पेयर बन जाता है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है बेटे। आइए जरा मैं आपको ये बात समझाता हूँ, ये एक बाकायदा तौर पर पेपर में आने वाला एमसीक्यू है एंड यू हैव टू लिसन एंड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। आर यू रेडी? चलो फिर बन जाओ अर्धगल और समझो इस बात को। बेटा देखिएगा, बनने से पहले मुझे यहाँ पे आपको एक सेपरेट स्लाइड के ऊपर ये बात समझानी चाहिए एंड आई रियली नीड दिस स्लाइड हियर। वेयर इज दैट स्लाइड? यस, कंट्रोल डी कर रहा हूं मैं एंड स्लाइड ऐड कर देता हूं मैं। ओके टाइम, अब जरा देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मैं आपको क्या समझाने लगा हूं। जनाब मैं आपको समझाने लगा हूं कि वाटर के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद हाइड्रोजन आयन को जो हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये देखो मैंने हाइड्रोनियम आयन बना दिया सिंपल से वे में, ऑक्सीजन अब डेफिशिएंट हो गई है, ठीक है। अब देखें कि इनमें से ये वाली हाइड्रोजन तीनों में से कौन सी है, ये आइडेंटिफाई करना मुमकिन नहीं है, उनके तीनों बॉन्ड्स में कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट करेक्टर बिल्कुल इक्वली मिक्सअप हो गया है, ये तीनों बॉन्ड्स बिल्कुल अब एक जैसे दिखेंगे। क्या मतलब, देखें जरा पहले कितने कोवेलेंट थे और बाद में कितने कोऑर्डिनेट बने, ये रेशो वाला भी आपको सवाल आ सकता है, पहले दो कोवेलेंट थे और बाद में एक कोऑर्डिनेट बना, टोटल कितने हो गए, ये तीन बॉन्ड और ये आप लोगों के सामने तीनों बॉन्ड नजर आ रहे हैं। अब कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट
ये कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट करेक्टर आपस में मिक्सअप हो जाएगा। हर बॉन्ड में आपको अब इस रेशियो के मुताबिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट मिलेगा। क्या मतलब, अगर दो हिस्से कोवेलेंट करेक्टर और एक हिस्सा कोऑर्डिनेट हो तो टोटल तीन में से मैं 2/3 का मतलब जानते हो क्या लिखूंगा, 66.66%, और 1/3 का क्या मतलब लिखूंगा, 33.33%। तो अब ये बात जहन में रख लो कि तीन में से एक हिस्सा कोऑर्डिनेट करेक्टर होगा और तीन में से दो हिस्से कोवेलेंट करेक्टर होगा डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो। तो मैं लिख रहा हूं कि हर एक बॉन्ड के अंदर इस वक्त 66.66% जो है आपको कोवेलेंट करेक्टर देखने को मिलेगा और 33.33% जो है वो आप लोगों को कोऑर्डिनेट करेक्टर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीजें आप लोग बराए मेहरबानी जरा अच्छे तरीके से अपने जहन में रख लो कि हर एक बॉन्ड में सेम यही परसेंटेज करेक्टर होगा, क्योंकि ये आपस में मिक्सिंग हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोगों को मैं अमोनियम आयन सिखाऊं तो अमोनियम आयन में भी मैं आप लोगों को यही बात सिखा सकता हूं। ये देखो अमोनियम आयन की फॉर्मेशन भी देख लो, अमोनिया ने अपना लोन पेयर डोनेट किया हाइड्रोजन आयन को और ये कन्वर्ट हो गया अमोनियम आयन के अंदर। और मैं अब आप लोगों से पूछूं कि भाई जरा बताना वो हाइड्रोजन, ये जो लुटी पुटी हुई हाइड्रोजन, यतीम मस्कीन हाइड्रोजन, इनमें से कौन सी है, तो आप कहेंगे सर नहीं आइडेंटिफाई हो सकती क्योंकि ये तीन कोवेलेंट और एक ये जो कोऑर्डिनेट बना है इन चारों बॉन्ड्स में बिल्कुल इक्वली शेड हो जाएगा और इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे। तो फिर वही बात, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट की रेशियो देखें, तीन कोवेलेंट बॉन्ड थे, एक दो और तीन, एक बना कोऑर्डिनेट तो 3:1 के साथ मैं लिखने लगा हूं 3/4 का मतलब होता है 75% कोवेलेंट एंड 1/4 का मतलब होता है 25%। तो हर अमोनियम आयन में 75% कोवेलेंट करेक्टर होगा और 25% कोऑर्डिनेट करेक्टर होगा। ये बात अब तुम लोगों के लिए कोई नई नहीं रही, इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। और एक और मजेदार बात बता दूं, ज्यादातर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में ये जो कैटायनिक स्पीशीज बनती है ये अनस्टेबल होते हैं और उनके एंड पे IUM आता है। इस तरह ये हाइड्रोनियम आ गया, जिस तरह ये अमोनियम आ गया, इनको पॉलीटॉमिक आयंस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ये मैंने अमोनियम का बता दिया। अब इसी तरह कार्बन मोनोक्साइड के अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हवाले से मैंने बात आपको बता दी। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन्स थे जिसमें से दो इसने शेयर किए और ऑक्सीजन के भी यहाँ पे दो शेयर करवा देते आपको समझाने के लिए और एक पेयर जो है वो डोनेट कर दिया जाता है कार्बन को। अब देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा ऑक्सीजन से किसकी तरफ, कार्बन की तरफ। एक मजेदार बात बताऊं आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ये जो ऑड टाइप की बॉन्डिंग आपको नजर आ रही है, यहां पे एक बड़ा मजे का सीन आपको बताता हूं। इस बॉन्ड को कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर ये क्या बात हुई है, क्या मतलब, एक ही मॉलिक्यूल का एक एटम अपने ही मॉलिक्यूल के दूसरे एटम को जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होगा इंट्रा, सवाल पूछा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड में किस टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो आपने कहना है इंट्रा मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो पीछे अमोनिया और BF3 के दरमियान पड़ा था ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, तो ये होगा हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोला मैंने, इंटर मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या कमाल की बात हो गई, आज आपको मैंने ये भी बता दिया कि इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होते हैं। जब दो मॉलिक्यूल इकट्ठे जुड़ रहे हो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में तो वो कहलाएगा इंटर मॉलिक्यूलर। जब एक ही मॉलिक्यूल का एक एटम अपने ही उसी मॉलिक्यूल के दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा तो ये कहलाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटे ये सारी बातें आपके साथ हो चुकी है, अमोनियम आयन का भी मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं। अब एक छोटा सा MCQ है एट द एंड डिस्कस करते हुए, दी एंड हो जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का भी और नेक्स्ट लेक्चर होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का, बड़े इंटरेस्टिंग वे में वो भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। ये बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड। मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान आयोनिक बॉन्ड होना चाहिए, नो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज बनेगा। कैसे, आपको पता ही है कि अगर तो आप लोग देखो
कि आप लोगों को अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान देखोगे तो ये होगा कोवेलेंट बॉन्ड पहले, फिर उसके बाद लोन पेयर डोनेट होके एच प्लस आइन को जो बनेगा अमोनियम आइन, ये होगा कोऑर्डिनेट। उसके बाद साथ में क्लोराइड अटैच हो जाएगा तो क्लोराइड और अमोनियम के दरमियान बन जाएगा आयोनिक। तो ये आया आप लोगों के पास कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड आयोनिक, ये तीन चीजें जो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं और आप लोगों को ये बताना जरूरी समझी जाती है। दिस इज द स्टोरी अबाउट दिस क्वेश्चन। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एक और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए रेडी किया था, वो भी हाँ वो भी लेवस के स्ट्रक्चर वाला आपसे डिस्कस हो जाए। देखो, अगर तो अल्कोहल अपना लोन पेयर हाइड्रोजन आयन को डोनेट करें तो इनके अंदर ये ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, ऑक्सोनियम आयन। इसी तरह ये ईथर्स के अंदर भी कॉर्ड है, तो अल्कोहल्स एंड ईथर्स भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं और इनके जो बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनको ऑक्सोनियम आयन्स का नाम दिया जाता है, वही IUM ऑक्सीजन की बेस पर ऑक्सोनियम बोला जा रहा है। लो जी, आज की डिस्कशन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की के ऊपर का ये आखिरी सवाल है और मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता होता हूँ। बेरियम मेटल बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड बेरियम परऑक्साइड, फॉर्मूला है BaO2। विच डॉट एंड क्रॉस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ BaO2? की दी हुई है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑक्सीजन एटम अनशेडेड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सेकेंड ऑक्सीजन एटम क्रॉस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेरियम एटम शेडेड डॉट्स होंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन का आंसर दो और इस क्वेश्चन का आंसर जो भी आप लोगों का करेक्ट होगा तो ऑफकोर्स वो करेक्ट आंसर आप लोगों में से कितने बच्चे देते हैं पता चल जाएगा आप लोगों को, आप लोगों ने कितना सीखा है लेवस के स्ट्रक्चर्स को। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, वीडियो पॉज प्ले नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन। सवाल में उसने कहा बेरियम परऑक्साइड बनाना है, बेरियम है ग्रुप टू का मेंबर, ये आयोनाइज होकर बेरियम प्लस टू आयन बनाएगा, इसका मतलब है इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स। इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शेडेड डॉट्स के साथ होंगे, जैसा कि की बताती है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेरियम एटम शेड्स है। अब आगे ऑक्सीजन कितने अटैच होने हैं जनाब? टू ऑक्सीजन अटैच होने हैं, यानी कि बेरियम के साथ दो ऑक्सीजन अटैच होने हैं। लो जी, ये एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ये दूसरा ऑक्सीजन आ जाएगा। अब इनके डॉट स्ट्रक्चर्स में देखो, मैं एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अनशेडेड डॉट और एक को क्रॉस के साथ शो करूंगा तो दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान मैंने एक तो बना दिया कोवेलेंट बॉन्ड, बाकी भी इलेक्ट्रॉन्स इनके बनाते हैं, टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होने हैं यहां पे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, मैंने इसके सिक्स बना दिया, अब इसके भी सिक्स बनाता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिक्स और सिक्स दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बना दिए और एक एक शेयर कर दिया। अब ये जो बेरियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अल्टीमेटली आने किसके पास? ऑक्सीजन एटम के पास। तो एक शेडेड डॉट इस ऑक्सीजन एटम को दे दो, एक शेडेड डॉट इस ऑक्सीजन एटम को दे दो और आपके पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें आप लोगों को बेरियम की तरफ से आने वाले दोनों डॉट्स शेडेड नजर आ रहे होंगे, एक क्रॉस और एक अनशेडेड डॉट आपस में इनका शेयरिंग करेक्टर नजर आ रहा होगा दोनों ऑक्सीजन एटम्स का, और बाकी भी इनके सिक्स इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए डॉट्स एंड क्रॉसेस पड़े हुए। सो दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? डेल्टा। अल्फा में मिस्टेक देखो, दो ऑक्सीजन की बजाय एक ऑक्सीजन को ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, रॉन्ग। बीटा में देखो, कहीं पे बेरियम का कोई इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा। चार्ली में देखो तो बेरियम का एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा, हालांकि बेरियम प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके दो शेडेड इलेक्ट्रॉन्स या डॉट्स को किसी भी लेवल स्ट्रक्चर में शो करेगा। तो दिस वाज द स्टोरी एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट यू विल गॉट दिस क्वेश्चन, और जिन्होंने गलत किया उनका ठीक भी हो चुका होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहिए एंड वॉच कीजिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खुदा हाफिज़।